वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स एमबीए एमसीए। देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट यानी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के एग्जांपल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल में एक सिंपल एग्जांपल भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम ईएसटी यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ईएफटी यानी कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आज वही कैलकुलेशन के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको नेटवर्क डायग्राम निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है और हम इस डायग्राम से हमें क्या निकालना है, ये चार चीज़ें यहाँ पे निकालनी है। क्या निकालना है हमें, ईएसटी, ईएफटी, एलएसटी एंड एलएफटी। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नोट्स है यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, 1, 3, 2, ये क्या है, नोड्स है अपने। ठीक है, तो देखिए हम इस यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं हर एक नोड के लिए और उसको दो पार्ट्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो सेकंड पार्ट रहेगा वहाँ पे हम अगेन वहाँ पे पार्टीशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोड नंबर दे देते हैं। ये कौन सा था अपना, नोड नंबर 1, ये था अपना नोड नंबर 3, ये था अपना नोड 2। ये कहाँ से ले रहे हैं हम, नोड कहाँ से लिख रहे हैं, जो डायग्राम दिया है एग्जांपल में ओरिजिनल डायग्राम उसी पर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नोड का नंबर दे रहे हैं। तो देखिए ये आ गया अपना 4, ये आ गया अपना 5, ये आ गया 6 और ये आ गया यहाँ पे 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, नोड का नंबरिंग कर दिया फर्स्ट पार्ट में, ऊपर के पार्ट में। अभी नीचे के पार्ट में देखिए यहाँ पे हमने 2 डिविजन किया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ईएसटी लिखेंगे। ईएसटी, ईएसटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। हर एक नोड के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख के देते हैं ईएसटी हर एक नोड के लिए, ईएसटी, ईएसटी। ये हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए कैलकुलेशन करने के लिए ये हमें इजी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पार्टीशन करके लिया। ठीक है, ये पहला पार्ट होगा ईएसटी और सेकंड पार्ट कौन सा रहेगा, यहाँ पे एलएफटी, एलएफटी यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम, एलएफटी। लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो देखिए ये जो देखिए नोड 1 से लेके नोड 7 तक हमें क्या करना है, यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हमें कैलकुलेट करना है हर एक नोड के लिए। ठीक है, तो देखिए जब हम नोड 1 से लेके नोड 7 तक जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पास बोलते हैं, और जब हम फॉरवर्ड पास निकालते हैं तब हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी रहती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हम कहाँ पर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जो नोड 3 है, यहाँ पे देखिए कितने एरोज आ रहे हैं, 2 एरोज आ रहे हैं, बराबर। अभी और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए नोड 5, यहाँ पे भी 2 एरोज आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी पाथ का ड्यूरेशन मैक्सिमम रहेगा उसको हम कंसिडर करेंगे, कब कंसिडर करेंगे, जब हमें फॉरवर्ड पास निकालना रहता है, यानी कि जब हमें नोड 1 से नोड 7 तक जाना है उस टाइम पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब हम क्या निकालते हैं, ईएसटी निकालते हैं, और उसके अपोजिट अपना क्या रहता है, बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास में कहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम, नोड 7 से लेकर नोड 1 तक जाएंगे, और यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्ड पास के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जब हम पाथ सिलेक्ट करते हैं तो मिनिमम ड्यूरेशन वाला पाथ सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या निकालना है, यहाँ पे ईएसटी और एलएफटी निकालना है। तो देखिए अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी फॉरवर्ड पास निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो अपना फर्स्ट नोड होता है उसका ईएसटी यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए जो ड्यूरेशन था हर एक एक्टिविटी का वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 4 था, यहाँ पे 10, 7, 9, 3, 6, 4। ठीक है, ये ड्यूरेशन कहाँ से लिखा हमने, जो अपना ओरिजिनल डायग्राम एग्जांपल में दिया हुआ उसी पर से हमने ये
ड्यूरेशन लिखा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फॉरवर्ड पास निकालना है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना, अभी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है हर एक नोड के लिए। तो देखिए, मैंने बोला जो फर्स्ट नोड रहेगा उसका ईएसटी हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अभी नोड के लिए देखिए, इसका ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे हम, प्रीवियस नोड का ईएसटी प्लस ड्यूरेशन, जीरो प्लस फाइव कितना आ जाएगा यहाँ पे, फाइव। अभी देखिए, जीरो प्लस सेवन कितना आ जाएगा, सेवन। यहाँ पे देखिए, मैंने गलती कर दी, देखिए यहाँ पे जीरो प्लस फाइव कितना था, फाइव। लेकिन यहाँ पे देखिए, थ्री नोड के लिए यहाँ पे दो एरोज मिल रहे, पहला वाला कौन सा था, ये वाला नोड वन टू थ्री, यानी कि जीरो प्लस फाइव कितना, फाइव। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस नोड का ईएसटी कितना आ रहा है, सेवन आ रहा है, तो सेवन प्लस फोर कितना हो जाएगा यहाँ पे, इलेवन होगा। तो यहाँ पे हम फाइव नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इलेवन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेवन। नेक्स्ट देखिए, अपना कौन सा नोड है, नोड फोर, इलेवन प्रीवियस नोड का ईएसटी प्लस ड्यूरेशन, इलेवन प्लस सिक्स कितना आ गया, सेवनटीन। अभी निकालते हैं नोड फाइव के लिए, यहाँ पे देखिए, प्रीवियस नोड का ईएसटी कितना है, सेवन, और ड्यूरेशन कितना है, सिक्स, सिक्स प्लस सेवन कितना आ गया, थर्टीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइव नोड जो है वहाँ पे दो एरोज मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, सेवन प्लस सिक्स यानी कि थर्टीन, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है, थ्री, और ईएसटी कितना है प्रीवियस नोड का, सेवनटीन, यानी कि सेवनटीन प्लस थ्री कितना हो गया, ट्वेंटी, और यहाँ पे कितना आ रहा था, ट्वेल्व। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आ रहा है ट्वेंटी, और यहाँ पे आ रहा है थर्टीन, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कौन सा आ गया, ट्वेंटी, ठीक है। अभी देखिए, नोड थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, अभी निकालेंगे नोड सिक्स के लिए। अभी यहाँ पे देखिए, तीन एरो जा रहे हैं यहाँ पे नोड सिक्स के लिए, थ्री टू सिक्स, फोर टू सिक्स और फाइव टू सिक्स। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला पास निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, इलेवन प्लस टेन कितना हो गया, ट्वेंटी वन। यहाँ पे देखिए, सेवनटीन प्लस सेवन कितना हो गया, ट्वेंटी फोर, और यहाँ पे देखिए, ट्वेंटी प्लस फोर कितना हो गया, ट्वेंटी फोर। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या मिल गया हमें यहाँ पे, ट्वेंटी फोर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्वेंटी फोर, ठीक है। अभी देखिए, ट्वेंटी फोर प्लस नाइन कितना आ गया ये, अभी देखिए यहाँ पे लास्ट नोड जो है सेवन्थ नोड, उसका हमें क्या निकालना है, ईएसटी निकालना है, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, ट्वेंटी फोर प्लस नाइन ये कितना आ जाएगा, थर्टी थ्री। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया ये अपना फॉरवर्ड पास, ठीक है। देखिए, आपको और अच्छे से समझ के लेना है तो आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियोस है पर्ट और सीपीएम के, तो वहाँ पे आप ये डायग्राम कैसे निकालते हैं, और मैंने स्पेशल वीडियोस भी बनाए हैं हाउ टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, तो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, सो दैट आपको ये जो मैं निकाल रही हूँ फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास, आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया यहाँ पर अपना फॉरवर्ड पास। अभी हमें क्या निकालना है, बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास में मैंने क्या बोला, यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन हमें सिलेक्ट करना रहता है। जब हम बैकवर्ड पास निकालते हैं अभी, तो हमें सबसे पहले क्या कंसीडर करना रहता है, लास्ट नोड को कंसीडर करना रहता है, ठीक है। जो लास्ट नोड का ईएसटी रहेगा वही उसका क्या रहेगा, एलएफटी रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 33, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 33 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24। कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे देखिए, जो एल एफ टी है, एल एफ टी से हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, ड्यूरेशन सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए, ये हर एक स्टेप आपको ध्यान से करना है, अगर एक भी यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया तो आपका डायग्राम का ये जो ई एस टी और एल एफ टी है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। क्या किया मैंने, देखिए, एल एफ टी क्या लिया, जो लास्ट नोड का ई एस टी है वही उसका एल एफ टी रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 33 उसका क्या आ गया, एल एफ टी आ गया। अभी इस नोड का एल एफ टी कैसे निकालेंगे, इस नोड का एल एफ टी माइनस ड्यूरेशन, 33 माइनस 9 कितना आ गया, 24, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे नोड 5, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, नोड 5 के लिए 24 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 20, ये आ गया आपका 20।
अभी देखिए नोड फोर के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 एलएफटी क्या है इस नोड का, 24 माइनस 7 कितना आ जाएगा 17। अभी यहाँ पे देखिए नोड थ्री के लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे दो एरोज निकल रही है बराबर, तो यहाँ पे देखिए 24 माइनस 10 और यहाँ पे कैसे आएगा 17 माइनस 6। तो इन दोनों में जो मिनिमम रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना है। तो 24 माइनस 10 कितना आ गया 14 और 17 माइनस 6 कितना आ गया 11, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 14 और यहाँ पे आ रहा है 11। तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 11 मिनिमम है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 11। ठीक है, अभी कौन सा नोड आ गया अपने पास, नोड टू। यहाँ पे भी देखिए दो एरोज है, एक यहाँ नोड फाइव की तरफ है और नोड थ्री की तरफ है। तो हम कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 6 कितना आ गया 14 और यहाँ पे देखिए 11 माइनस 4 कितना आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला इस डायग्राम में, हर एक नोड के लिए हमने निकाला अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला था, प्रिपेयर द टेबल शोविंग ईएसटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है ईएफटी। अभी हमें क्या निकालना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है। एलएफटी भी हमने यहाँ पे इस डायग्राम में निकाल लिया है। तो चलिए अभी क्या बनाते हैं, हम टेबल बना के लेते हैं। क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम गिवन बाय फॉरवर्ड पास और एलएफटी क्या था, लेटेस्ट फिनिश टाइम गिवन बाय बैकवर्ड पास। एलएफटी के टाइम हम क्या करते हैं, बैकवर्ड पास निकालते हैं और ईएसटी के टाइम पे हम करते हैं फॉरवर्ड पास। अभी देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल निकाला है। टेबल में हमें क्या क्या कैलकुलेशन करना है, हमें निकालना है ईएसटी, ईएफटी, एलएसटी और एलएफटी। ठीक है, तो सबसे पहला वाला कॉलम हमने क्या लिया, एक्टिविटी का कॉलम लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क जो डायग्राम है अपना, वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ आते हैं 1 2 3 1 2 2 2 2 3 जितने भी एक्टिविटीज़ है वो सब एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे लिख के लिए। और सेकंड कॉलम में हमने क्या लिया है, हर एक एक्टिविटी का क्या लिया है, ड्यूरेशन लिखा है। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईएसटी कैलकुलेट करना है, यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो देखिए जब हम ईएसटी निकालते हैं ना हर एक एक्टिविटी का, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, सब एक्टिविटीज़ लिख के लिए है। ठीक है, तो देखिए जब हम ईएसटी निकालेंगे ना, तो ये जो एक्टिविटीज़ लिखेंगे उस एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग का नोड रहेगा उसको हमें कंसिडर करना है। कैसे कंसिडर करेंगे, देखिए ये जो है स्टार्टिंग के, ईएसटी निकालते वक्त सिर्फ स्टार्टिंग के नोड हमें कंसिडर करने हैं। जैसे कि ईएसटी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को कंसिडर करना है, राइट। ईएसटी देखिए 1 का ईएसटी कितना है, 1 का ईएसटी कितना है 0। यहाँ पे भी स्टार्टिंग का नोड क्या है 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। अभी देखिए यहाँ पे क्या है 2 का ईएसटी देखिए कितना है, 2 का ईएसटी कितना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे भी लिखेंगे 7। 3 का देखिए, 3 का ईएसटी कितना है, कहा गया 3 का ईएसटी कितना है 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11, यहाँ पे भी लिखेंगे 11। अभी देखिए 4 का ईएसटी कितना है 17, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 17, यहाँ पे भी लिखेंगे 17। अभी देखिए 5 का ईएसटी कितना है देखिए 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। और 6 का ईएसटी कितना है 24, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया ईएसटी। देखिए एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, जब हमें ईएसटी निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्टिविटीज़ लिख के लिए थे। जितने भी एक्टिविटीज़ आते हैं अपने नेटवर्क डायग्राम में वो सब के सब मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। और जब ईएसटी निकालते हैं ना, तो हर एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग का नोड हमें कंसिडर करना है और इसका ईएसटी हमें यहाँ पे लिख के लेना है। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है, ईएफटी अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ईएसटी प्लस ड्यूरेशन। ईएसटी तो यहाँ पे है और ड्यूरेशन भी दिया है, तो 0 प्लस 7 कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आएगा 11, ये कितना आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 20। 17 प्लस 7
ये आ जाएगा 24 और ये 24 प्लस 9 33। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया EFT। ठीक है, अभी क्या निकालना हमें, अभी देखिए LST का फॉर्मूला क्या रहेगा, LFT माइनस D। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, LFT निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब हम LFT निकालते हैं ना, उस टाइम पे हमें क्या करना है, ये जो एंडिंग नोड है एक्टिविटी के, उस एंडिंग नोड को कंसिडर करना है। हमें क्या निकालना है, LFT निकालना है। ठीक है, तो LFT कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हमने एक्टिविटीज लिखे हैं, तो एक्टिविटीज का जो एंडिंग नोड है, एंडिंग नोड का हम क्या लिखेंगे, LFT लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए नोड 2 यहाँ पे हमने ऑलरेडी LFT निकाल के रखा है। नोड 2 का LFT देखिए कितना है, 7। नोड 3 का LFT देखिए कितना है, 11। यहाँ पे भी लिखेंगे 11। अभी नोड 5 किधर है अपना, नोड 5 का LFT देखिए कितना है, 20। नोड 4 का LFT कितना है, 17। नोड 6 कितना है, 24। उसके बाद में नोड 5 का कितना है, आप डायग्राम में से लिख सकते हो, नोड 5 का है अपने पास 20, नोड 6 का है 24, नोड 6 का है 24 और नोड 7 का है 33। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे LFT। अभी देखिए LST कैसे निकालेंगे, LFT माइनस ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे अपने पास क्या है, LFT। तो 7 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 0। 11 माइनस 5 कितना, 6। 11 माइनस 4 कितना, 7। 20 माइनस 6 14। 17 माइनस 6 11। 24 माइनस 10 14। 20 माइनस 3 कितना, 17। 24 माइनस 7 4 20 और ये 33 माइनस 9 ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया है, EST EFT LST और LFT निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये अपने डायग्राम के हिसाब से अपना EST और LFT निकाल लो और उसके बाद में EST और LST निकालना बहुत सिंपल हो जाता है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है।